और कादर पटेल। हाँ, जैसे मैं यहाँ आया तो यहाँ पुलिस की नफरी अंदर जाने नहीं दे रही। मैंने बोला मसला क्या है? हाँ। बोला जी अंदर डीआईजी साहब हैं, आईजी साहब हैं, हम नहीं जाने दे सकते। मैंने बोला मेरे अपने घर पे कैसे नहीं जा सकता? वो बैरियर उसने खींचा, मुझे यहाँ लगा। हाँ। मैं जैसे घर गया, जान छुड़ा के घर गया, वहाँ देखा तो टीवी पे के ख्वाजा साद रफीक जो है वो जख्मी है, पुलिस जो है लॉजिस्टिक्स में घुस गई है। मैं भागा भागा जब आया तो पुलिस और ये गुत्थम गुत्था और मारना शुरू कर दिया मुझे भी, और कामरान मुर्तजा को मारा ठीक ठाक, और जमालुद्दीन के ऊपर चादर डाल के इनको हुआ। जिसको जिस तरह जैसे मुंह पे आ रहा है मारा, ये यहाँ पर उनका मुक्का लगा था मुझे, उसकी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हुई। कोई वो गुंडागर्दी थी कि आपकी सोच है भाई क्यों कर रहे हो? हमें हुक्म है ऊपर से कि लॉजिस में कुछ लोग हैं आप लोगों के। मैंने कहा जब शेख रशीद ने सुबह ये कहा कि इमरान खान के फॉलोअर जो है वो नेशनल असेंबली के सामने होंगे, मेरे मेहमान अगर आए हैं, अगर कोई आए तो आप नेशनल असेंबली की जाके स्पीकर साहब को मेरी कंप्लेन करें, वो मुझसे पूछे कस्टोडियन ऑफ द हाउस और लॉजिस्ट वही है, हम अपनी बात करेंगे। तो लेकिन ये स्पीकर की इजाजत के बगैर आपका ख्याल? जी जनाब, उन्होंने कहा कि हमें शेख रशीद ने कहा है कि इनको सबोताज करना है, ये क्योंकि अपोजिशन के तमाम MNAs यहाँ पर हैं और आप लोगों ने और लोगों को यहाँ पर ला के जमा किया। मैंने कहा कि भाई आप बताएं तो सही कौन से वो लोग हैं, या किसी को बरामद करें, किसी के पास असला है या मेरे क्या है? आपने सलाउद्दीन अयूबी के घर का दरवाजा तोड़ा, कोई लेडीज सर्चर नहीं थी, उनके घर में लेडीज थी, उनकी भी बेहरमती की, और हमारे को तो सदोखोप किया, जितना उनसे हो सकता था मारा है मैंने।